सूरतगढ़ इलाके में गुलाबी सुंडी के प्रकोप से खराब हुई नरमे की फसल का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आज भारतीय किसान नौजवान यूनियन के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन देकर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार दो दिनों के अंदर नरमा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे। अगर दो दिन में इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो बाजार बंद कर चक्का जाम किया जाएगा। हमारी मुख्य ये सरकार से बार बार अवगत करा दिया है एसडीएम साहब के मार्फत, फिर भी सरकार अभी तक नहीं चेची है चेती है, क्योंकि अभी दो दिन का समय और दिया जा रहा है राज्य सरकार को, नहीं तो ये पूरे किसान एरिया के जितने भी किसान हैं जिले के वो चक्का जाम करेंगे अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार घोषणा नहीं करती है विशेष पैकेज की। क्योंकि अभी नरमा हम चुग रहे हैं तो एक क्विंटल प्रति बीघा भी नहीं आ रहा है, और पीछे जो बीज इतना ख़राब आ गया कि सुंडी के बजाय ऊपर जो हमारे डिंडे लग रहे हैं वो भी गलने शुरू हो गए, तो किसान एकदम बर्बाद हो चुका है। दूसरा हमारा ज्ञापन है डीएपी यूरिया के साथ जो अन्य उत्पाद दिया जा रहा है उस भी सरकार रोक लगाए, अगर कोई